नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A25 5G versus Poco X6 Neo 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.34 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A25 5G में 3.01 इंच जबकि X6 Neo 5G में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है जो कि A25 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A25 5G में 0.33 इंच जबकि X6 Neo 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A25 5G में 197 ग्राम जबकि X6 Neo 5G में 175 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A25 5G में सुपर एमोलेड जबकि X6 Neo 5G में एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A25 5G में 19.5:9 जबकि X6 Neo 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A25 5G में 6.5 इंचेस जबकि X6 Neo 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A25 5G में 1080x2340px FHD+ और X6 Neo 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A25 5G में 84.02% जबकि X6 Neo 5G में 88.95% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A25 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि X6 Neo 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A25 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और X6 Neo 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A25 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X6 Neo 5G की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A25 5G में Mali G68 MP4 जबकि X6 Neo 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A25 5G में Samsung Exynos 1280 और X6 Neo 5G में MediaTek Dimensity 6080 मिलता है। बात करें RAM की तो A25 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि X6 Neo 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A25 5G में Android V14 जबकि X6 Neo 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A25 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,490 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X6 Neo 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Samsung Galaxy A25 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Poco X6 Neo 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A25 5G आगे है, मेन कैमरा में X6 Neo 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A25 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा Realme 12 Plus 5G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco X6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।